से हमारे साथी शायद फर्स्ट टाइम डाइट में आए होंगे, कुछ पहले भी आए हैं, आपने ट्रेनिंग्स की भी है, आपको कुछ चेंजिंग लग रही है, क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं ये दौर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर की रिक्वायरमेंट्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके साथ हमें चलना पड़ रहा है। अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं इस बदलती दुनिया में उसके साथ अलाइन नहीं करेंगे एजुकेशन सेटअप को तो हम इररेलेवेंट हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये निपुण भारत के ट्रेनिंग प्रोग्राम जो यहाँ पे तरतीब दिया गया है तो उसी का आज पहला दिन है, इनॉग्रेशन होनी है, डिटेल में हम आपके साथ बाद में बात करेंगे, सर को नीचे भी जाना है। तो बगैर मैं वक्त जाया किए हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मदन सर से, प्रिंसिपल डायरेक्टर के, काइंडली सर आप आए इसे बाजाबता इनॉग्रेट भी करें और आपका अपना जो मैसेज है इस ट्रेनिंग के हवाले से या बाकी जो आपकी इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए हमारी रहनुमाई भी करें और इस ट्रेनिंग को इनॉग्रेट भी करें। वर्ग की प्रिंसिपल डॉक्टर अहमद शर्मा से उसमें बड़ी ज्यादा कम्प्लीट है, सारी टेलीग्राम सिस्टम भी चलेगा और साथ साथ के पढ़ने का भी, जहाँ पे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आती है आप इनसे स्मार्ट जॉब पूछ सकते हैं, जब सेशन का एक खत्म रहेगा आप इनसे पूछ लो, क्योंकि ये ट्रेनिंग आप करेंगे तो आप जो स्कूलों में जाकर पढ़ा सकेंगे, बगैर इस ट्रेनिंग के आप स्कूलों में ऐसे घूमने के चक्कर करें आप पढ़ा नहीं सकते, बात भेज सकते ना आप, ऐसे आप स्कूल जाओगे तो घर आओगे वही वही बात होगी। ये जो ट्रेनिंग है इस ट्रेनिंग के मुताबिक ये सिस्टम बदल गया सारा, पुरानी सिस्टम जो एजुकेशन का था वो सारा चेंज हो गया, वो 1986 में जो उस वक्त पॉलिसी आई थी 86 के बाद ये पॉलिसी अब चेंज हुई है 2020 में, तो साल इस के बाद। सर ये जो आपकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं इसके हवाले से आप बताइएगा। ये जो निपुण भारत की ट्रेनिंग चल रही है हमारे पास से, तो इसमें टारगेट हमारे पास 1547 टीचर्स को ट्रेन करना है, तकरीबन हमारे पास 1000 के करीब टीचर्स ट्रेन हो चुके हैं, तो 18 सितंबर तक हमने कम से कम 500 जो टीचर है वो ट्रेन कर रहे हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक। तो उसके अलावा भी हमारे पास जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं वो ट्रेनिंग में कुछ साथ साथ चलती है, वो उसके अलावा जो डबल लैंग्वेज होती है उसकी भी ट्रेनिंग चलती है। तो ये जो ऑन द होल ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये तो हमें टारगेट मिलता है SCERT से और वो हमें कंप्लीट करना पड़ता है विद इन लिमिट टाइम के अंदर। तो अब हमें ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग करानी है इसी डायट के अंदर कि हम हर जोन के अंदर जाके वो ट्रेनिंग नहीं करा सकते। शुक्रिया सर।